उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नए चेहरे के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अगले हफ्ते नए चेहरे के लिए नामों पर मंथन करेगी। यूपी विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते ये फैसला पार्टी ले लेगी। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक और नेता प्रतिपक्ष भी थे। अब करहल सीट के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की जगह भी खाली हो गई है। अब इसके लिए सपा महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। शिवपाल यादव के नाम पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। जल्द ही यूपी विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। शिवपाल यादव अभी यूपी की जसवंत नगर सीट से विधायक है। इस सत्र के शुरू होने से पहले ही पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर ली। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के कई विधायक लोकसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में जीत कर जो सांसद बन गए उन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य की 10 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव का ऐलान होने की संभावना है, हालांकि इसका कोई आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ। यूपी विधानसभा में सबसे बड़ा दल बीजेपी है। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सपा के विधायक। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में उस उपचुनाव में भी बड़ी जीत की उम्मीद है। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार के सदमे से उबर नहीं पाई है। फिलहाल पार्टी आपसी कलह से ही जूझती दिख रही है। संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।